अस्सलाम वालेकुम। केले के छिलके हम नॉर्मली घरों में फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका एक इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। आपको चाहिए एक अदद शूज़। इस जूते को आज हम चमकाने वाले हैं बाज़ार की पॉलिश से कई गुना बेहतर, घर की पॉलिश से। एक अदद केले का छिलका लीजिए और केले के एक पीस से इसको अच्छी तरह से रगड़ें। जैसे आप शूज़ पॉलिश करते हैं ब्रश के साथ, उसी तरह से इसको अच्छी तरह से रगड़ लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि केले का छिलका हमारे जूतों को इतनी चमक कैसे दे सकता है, तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि केले में पोटाशियम भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं और जूते बनाने की पॉलिश में सबसे अहम इंग्रेडिएंट पोटाशियम ही होता है। तो आप समझ गए होंगे कि केले में मौजूद कुदरती तेल और पोटाशियम हमारे जूतों को चमकाने में कैसे अहम किरदार अदा करने वाला है। जूते हमारे बहुत चमकदार होना शुरू हो गए हैं, जो कि नज़र ही आ रहा है। जूते किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अब इतने आसान तरीके से जूते पॉलिश करना कौन सा मुश्किल काम है, तो आज इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। इसकी चमक आप देख सकते हैं। अब आप कोई सा भी कपड़ा ले लें और उस कपड़े से इसको साफ़ कर लें। जो केले के छिलकों के छोटे मोटे ज़रात इसके ऊपर लगे रह गए हैं, इसे आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें। केले के छिलके से पॉलिश किए गए शूज़ का रिज़ल्ट तो आप देख ही सकते हैं। इसकी चमक देखें, इसकी शाइन देखें। तो अगर आपको मेरी ये छोटी सी टिप अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।